हेलो फ्रेंड्स, आज का जो प्लान है आपके लिए 26 फीट बाई 45 फीट का है। 26 फीट इस प्लान का चौड़ाई है और 45 फीट इस प्लान का लेंथ है, लंबाई है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे बाहर में रोड है और ये साउथ फेसिंग का वन साइड ओपन प्लॉट है, बाकी तीनों तरफ से दूसरों की ज़मीन है, दूसरों की प्रॉपर्टी है। तो बाहर में कोई डोर या विंडो ओपन नहीं कर सकते, इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस प्लॉट को मैंने डिज़ाइन किया है। दोस्तों, आज का जो प्लान है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको देखने में और समझने में बिल्कुल ही आसानी होगा। और अगर आप अपना घर का नक्शा बनाना चाहते हैं या अपना नक्शा या अपना घर बना रहे हैं तो उससे आपको ये वीडियो देख के काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्लान। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये एक बालकनी का प्रोजेक्शन है, जो कि ये जो आप, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर जो है 2 फीट इसका चौड़ाई है यहाँ पर, और ये जो चौड़ाई है यहाँ पर सेंटर में 3 फीट है, और ये जो बालकनी इस तरह से घूम के गई है, यहाँ से ऐसे में जाके ये बालकनी घूमते हुए आगे की तरफ जा रही है। यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, इसके बाद यहाँ पे आगे चलेंगे तो यहाँ पे जो चौड़ाई है 4 फीट है, और इस यहाँ पे फिर से वही चौड़ाई हमको मिल जाती है 3 फीट की, यहाँ पे चौड़ाई है यहाँ पे। तो यहाँ से अभी इस बालकनी के बाद से बालकनी को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि देखने में हमारा घर का जो लुक आए वो देखने में अच्छा लगे, अच्छा शो आता है। तो यहाँ से अभी एक लोहे का जो गेट है 9 फीट चौड़ा है, इधर से हम सीधे, यही बड़ा गेट है, इधर से हम अपने घर के अंदर जाएंगे। जबकि ये गेट ओपन होगा 9 फीट का, तो यहाँ से हम भी जाएंगे और कार भी इसी से हमारी पार्क की जाएगी आगे जाके। तो यहाँ से जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पे एक, आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा स्लोप दिया गया है, यहाँ से ऊपर थोड़ा सा ये है, ये करीब आपको 9 इंच ऊपर यहाँ से मिलेगा इस लेवल से। तो यहाँ पे आप इसको एज ए लॉन इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं, यहाँ पे आप चाहें तो ग्रीनरी लगा सकते हैं या फिर अपनी बाइक्स भी पार्क करना चाहें तो यहाँ पे आप बाइक की पार्किंग कर सकते हैं। 14 फीट 10 इंच इसका लंबाई मिल जाता है, 4 फीट 4 इंच इसका चौड़ाई है। ये जो आप ग्रीन कलर में जो देख रहे हैं हरे कलर में, ये हमारी बाउंड्री वॉल की लाइन है, ये पूरी बाउंड्री वॉल आएगी जिसका हाइट होगा 7 फीट। तो बाकी यहाँ पे ये जो है ये सारी दीवारें हैं जो कि आप 10.5 फीट या 11 फीट की हाइट पे अगर आप अपने ग्राउंड फ्लोर रखते हैं तो ये पूरी ऊपर तक जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो, यहाँ पे भी ये जो है वॉल, ये भी यहाँ पे, ये जो चौड़ी सी है ये भी यहाँ पे ये वॉल आएगी, ये पूरी ऊपर तक जाएगी। लेकिन यहाँ से ये पूरी 5 इंच की चौड़ाई है यहाँ पे बालकनी की, और ये पे हाइट जो 7 फीट मैंने बताया, ये यहाँ पे 7 फीट रख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से एक कार पार्किंग का प्रोविज़न है, इसमें आप एक कार पार्किंग कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की जो कार है वो आसानी से पार्क की जा सकती है, 14 फीट 4 इंच इसका लंबाई मिल जाता है और 10 फीट इसका चौड़ाई है यहाँ पे कार पार्क के लिए। और यहाँ से आगे जाएंगे तो यहाँ से सीढ़ी जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ से सीढ़ी से होते हुए हम अपने फर्स्ट फ्लोर में आ जाएंगे। यहाँ पे जो सीढ़ी का जो चौड़ाई आपको मिलता है 3 फीट है, ये 3 फीट चौड़ाई यहाँ पे सीढ़ी का है, और इसी के नीचे हमारी जो कार है वो कार पार्क हो जाएगी। तो इसमें जो ट्रेड है वो 9 इंच का डिज़ाइन किया गया है और राइजर इसमें 7 इंच का है। इसी के जस्ट सामने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे गेस्ट रूम यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, जो कि बाहर में ही है ताकि हमारे गेस्ट को हम ज़्यादा अंदर नहीं लेके जाना चाहते तो नहीं लेके जाएंगे। तो इसके लिए बाहर से यहाँ पे गेस्ट रूम डिज़ाइन किया गया है। 12 फीट 7 इंच लंबाई मिल जाता है, 10 फीट चौड़ाई है। यहाँ पे 3 सोफे प्लेस किए गए हैं और एक विंडो मिल जाता है यहाँ पे 4 फीट बाई 4 फीट का। एक और विंडो मिलता है जिसका साइज़ है 5 फीट बाई 5 फीट का, जो कि हमारे लॉन वाले पोर्शन की तरफ ओपन होगा। तो ये जो ग्रीनरी आप यहाँ पे लगाएंगे तो इसके वजह से यहाँ से जब ओपन करेंगे ये विंडो को तो हमको फ्रेश एयर भी मिलेगी और देखने में एक अच्छा लुक भी आएगा। इस गेस्ट के लिए हम घर के अंदर नहीं जाना पड़े, इसके लिए अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। 7 फीट इसका लंबाई मिल जाता है, 3 फीट 8 इंच चौड़ाई है। जाने के लिए इसमें जो दरवाज़ा है 2.5 फीट बाई 7 फीट का है ये वाला जो दरवाज़ा है, और ये वाला जो दरवाज़ा है 3 फीट बाई 7 फीट का है, 3 फीट चौड़ाई है। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए जो है यहाँ पे हमारी एग्जॉस्ट फैन जो आ जाएगी, यहाँ पे 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, जो कि आप वी से देख रहे हैं यहाँ पे वेंटिलेशन है। तो स्मेल जो होगा वो सीधे इस लॉन की तरफ बाहर की तरफ होकर निकल जाएगा। तो अभी चलते हैं यहाँ से आगे, और यहाँ पे 4 फीट चौड़ा यहाँ पे एक और भी दरवाज़ा है जो कि सीढ़ी के जस्ट साथ में ही है लगा हुआ है। तो ये बड़ा चौड़ा दरवाज़ा है, इधर से हम अपने घर के अंदर एंटर करेंगे। इस वाली दीवार पे एक विंडो मिल जाता है यहाँ पे, ये 4 फीट बाई 4 फीट का यहाँ पे विंडो है, तो जिससे सीढ़ी की तरफ से जो रोशनी आएगी वो सीधे हमारे इस लिविंग एंड हॉल के अंदर जाएगी। आगे यहाँ पर सीधे एंटर करेंगे अपने लिविंग एंड हॉल में। यहाँ पे 13 फीट 8 इंच का लंबाई मिल जाता है और 16 फीट 6 इंच का चौड़ाई है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे।
यहाँ पे सोफ़ा प्लेस किया गया है ताकि हमारे फैमिली के लिए पूरी सीटिंग के लिए अरेंजमेंट यहीं पे हो जाता है। और यहाँ पे सामने यहाँ पे डाइनिंग टेबल प्लेस किया गया है जिस पे 5 से 6 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे बड़ा भी डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो। यहाँ पे काफ़ी स्पेस है। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे इसी के हॉल में ही यहाँ पे एक ओपन पूजा रूम मिल जाता है। 3 फीट 6 इंच लंबाई है और 2 फीट 8 इंच चौड़ाई है। यहाँ पे आप जिस भी गॉड को मानते हैं वहाँ पे इनका टेम्पल यहाँ पे आप बना सकते हैं। यहाँ पे अभी चलते हैं, यहाँ पे कोई दीवार नहीं आएगी। यहाँ से अभी चलेंगे हॉल से ही तो अपने इस बेडरूम में जाएंगे। हमारा ये यहाँ पे एक बेडरूम मिल जाता है। जाने के लिए यहाँ पे 3 फीट 22 7 फीट का दरवाज़ा है और यहाँ पे 11 फीट लंबाई है इस बेडरूम का और 10 फीट चौड़ाई है जो कि यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ पे इसमें 6 फीट बाई 6 फीट का बेड मिल जाता है और यहाँ पे सोफे प्लेस किए गए हैं और हमारी LED स्क्रीन यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे एक स्टोर मिल जाता है, इसी से अटैच यहाँ पे स्टोर है। तो यहाँ पे एक 5 फीट 7 इंच इसका लंबाई है, 3 फीट 8 इंच इसका चौड़ाई है। तो यहाँ पे आप इसको एज ए स्टोर भी यूज कर सकते हैं। आपके आपके जो बेडरूम्स का जो भी एक्स्ट्रा सामान है या कबर्ड वगैरह अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो अभी चलते हैं इससे आगे। इस कमरे के लिए विंडो की बात करें तो पीछे यहाँ पे एक ODS मिल जाता है। तो जिस ODS वाले दीवार पे यहाँ पे 2.5 फीट बाई 4 फीट का विंडो मिलता है। तो ODS से जो रोशनी आएगी वो इस विंडो से हमारे इस कमरे के अंदर भी उजाला रहेगा। तो चलिए अभी आगे चलते हैं यहाँ से और देख लेते हैं अपने किचन को। किचन को चलते हैं यहाँ से, अपने हॉल से आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक सामने ही किचन मिल जाता है। इसीलिए यहाँ पे डाइनिंग टेबल एकदम नज़दीक में लगाया रखा गया है ताकि आप किचन से और यहाँ पे डाइनिंग खाना खाने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पे 13 फीट 1 इंच का लंबाई मिल जाता है, 7 फीट 6 इंच का चौड़ाई है किचन का। इसमें जाने के लिए 2.5 फीट बाई 7 फीट का दरवाज़ा है। विंडो मिल जाता है यहाँ पे 3 फीट बाई 4 फीट का जो कि हमारे हॉल वाले पोर्शन में ओपन होता है। ये विंडो ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अदरवाइज इसके लिए इस किचन के लिए एक और भी विंडो दिया गया है जो कि हमारे पीछे की तरफ है। यहाँ पे अभी चलेंगे तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वॉश एरिया मिल जाता है और यहाँ पे इस वॉश एरिया में जाने के लिए यहाँ पे 2.5 फीट बाई 7 फीट का दरवाज़ा और विंडो मिल जाता है 3 फीट बाई 4 फीट का। तो यहाँ पे एक आप देख रहे हैं कि लोहे की जाली लगाई गई है। ये यहाँ पे ODS है, यहाँ पे 3 फीट लंबाई है और 2.5 फीट चौड़ाई है जो कि हमारी छत में रहेगा। यहाँ पे जो लोहे की जाली है वो यहाँ पे छत में रहेगी तो जिससे इसके अंदर रोशनी आएगी और यहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा और किचन का जो धुआं होगा वो इस ODS से होकर ऊपर की तरफ निकल जाएगा। इस जगह का इस्तेमाल है जो वॉशिंग एरिया के तौर पर भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। तो अभी आ जाते हैं इधर से, आप देख रहे हैं कि इधर से अभी आगे चलेंगे अपने हॉल में और हॉल से अभी चलते हैं अपने बेडरूम में। बेडरूम में जाने से पहले ही यहाँ पे एक कॉमन वॉश एरिया मिल जाता है यहाँ पे ताकि अगर हम खाना वाना खाते हैं तो इसके लिए आपको हैंड वॉश के लिए यहाँ पे एक वॉश एरिया मिल जाता है। 4 फीट 8 इंच का इसका लंबाई है, 3 फीट 3 इंच का चौड़ाई है। यहाँ पे टॉयलेट का सीट यूज़ किया गया है इनकेस अगर आप कॉमन टॉयलेट का यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे उस पर्पज़ में भी आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पे जाने के लिए 2.5 फीट बाई 7 फीट का दरवाज़ा है और यहाँ पे एक वेंटिलेशन मिल जाता है 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का जो कि हमारे इस ODS वाले पोर्शन की तरफ ओपन होगा। तो स्मेल जो भी होगा इस वॉश एरिया के अंदर का वो सीधे इस वेंटिलेशन से होते हुए इस ODS से होकर छत की तरफ बाहर की तरफ चला जाएगा। तो अभी चलते हैं यहाँ से आगे अपने बेडरूम्स की तरफ। यहाँ पे तो यहाँ पे एक बेडरूम मिल जाता है, 11 फीट इसका चौड़ाई है और 12 फीट लंबाई है। तो 11 बाई 12 का यहाँ पे कमरा मिल जाता है। यहाँ पे 6 फीट बाई 6 फीट का बेड प्लेस किया गया है, सोफ़ा भी मिल जाता है इसमें और यहाँ पे हमारी LED स्क्रीन इस वाली दीवार पे फिक्स हो जाएगी। इसके लिए जो है ODS वाले फेस पे यहाँ पे विंडो मिल जाता है 2.5 फीट बाई 4 फीट का। तो इस कमरे के लिए भी रोशनी की कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे 7 फीट लंबाई है और 4 फीट 1 इंच चौड़ाई है जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे टॉयलेट एंड बाथरूम का काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा है ये। यहाँ पे टैप हमारी इस वाली दीवार पे फिक्स की जाएगी और यहाँ पे टॉयलेट का सीट फिक्स किया गया है। तो दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये वीडियो या प्लान अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें। और अगर आपका कोई प्लॉट है जिसका आपको नक्शा चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा जो नंबर है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इसमें वॉल साइज़ की। और इसमें जो बाहर बाहर की जो दीवारें हैं वो सारी जैसे कि आप देख रहे हैं ये 9 इंच की दीवारें हैं जो कि आप मोटी मोटी में जो मोटी जो दीवार है ये जो है दीवार है वॉल है ये 9 इंच की है। और घर के अंदर की जो दीवारें हैं वो सारी इसमें 5 इंच की डिज़ाइन की गई हैं। ये सारी घर के अंदर की जो पार्टीशन वॉल है
तो 5 इंच की डिज़ाइन की गई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्लान अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में भी आया होगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको ये प्लान देख के अपना घर को कनक सा बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्लान के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।